उधर आगरा के मलपुरा क्षेत्र के धनौली में गैंगस्टर पप्पू कुशवाहा की संपत्ति कुर्क हुई है। न्यायालय के आदेश के बाद आगरा कमिश्नर के पुलिस आयुक्त ने पप्पू कुशवाहा के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने मंटोला थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर के धनौली स्थित मकान और गोदाम को कुर्क किया है। मौके पर ACP राजीव सिरोही, थाना प्रभारी मंटोला और मलपुरा प्रभारी मौजूद रहे। लेकिन इनका प्रयोग इनसे कभी भी लाभ नहीं उठा पाएगा। आज इनको कुर्क किया जा रहा है, कुछ दिनों बाद इनकी जो है इसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तो आम जनता से अपील है कि मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाइए, अपराध की दृष्टि मिलेगी अभी नहीं। हमारे साथ पूरे मामले की जानकारी के लिए आगरा से संवाददाता जुड़ चुके हैं, जोगेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। जोगेंद्र, पूरे मामले को अगर देखा जाए तो लगातार आगरा में गैंगस्टर को लेकर बड़ी कार्रवाई पुलिस कर रही है। इस पूरे मामले पर दर्शकों को यह बताइए कि गैंगस्टर की संपत्ति, आखिरकार पुलिस ने संपत्ति को कुर्क करने की शुरुआत कर ही दी। जी आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र में चनोली में बड़ी माफिया है जो कि पप्पू कुशवाहा नामक है, जिसमें बड़ी कार्रवाई की है। एक मकान और एक गोदाम को सील किया गया है और अगला जो है इससे तमाम मुकदमे मलपुरा थाना क्षेत्र में पंजीकृत है। जो मुकदमा पंजीकृत है उन्हीं के आधार पर कमिश्नर आगरा ने तमाम गैंगस्टर और इसमें तमाम कार्रवाइयां की है। कार्रवाई के बाद में गैंगस्टरों पर उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी कार्रवाई चल रही है। क्या कार्रवाई में इसका एक मकान और एक गोदाम जो थाना मलपुरा क्षेत्र से धनौली में स्थित है, जिसको कुर्क किया गया, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए जोगिंदर जी आपका शुक्रिया। तो हमारे साथ जोगिंदर जुड़े और जिन्होंने बताया कि किस तरह से गैंगस्टर पप्पू कुशवाहा की संपत्ति कुर्की जा रही है और लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है।